हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप ये जो खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट देख रहे हैं, इसका नाम है लेवेंडर। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। इस प्लांट का नाम है, बॉटनिकल नेम है इसका, लेवेंडुला पिंटाना। और ये बहुत हार्डी प्लांट है। जो लोग प्लांट के शौकीन हैं और नई नई गार्डनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, वो ये प्लांट ज़रूर लगाएं। बहुत हार्डी प्लांट है, एक बार आपने लगा लिया बहुत कम देखरेख में बहुत अच्छा चलेगा आपके पास। तो इसका लगाने का तरीका बताती हूँ। सबसे पहले कि इसके लिए जो भी प्लांट हम घर में लगाते हैं, उसके लिए हमें एज़ यूजुअल वेल्ड एंड सॉइल ही चाहिए होती है। तो वेल्ड्रेन सॉइल के लिए हम तीनों चीज़ें एक बराबर की लेंगे, एक पार्ट गार्डनिंग सॉइल, एक पार्ट सैंड और एक पार्ट उसमें कंपोस्ट, गोबर की सड़ी हुई खाद या पत्तियों की खाद या आपको जो भी मिल सकती है इसीलिए अवेलेबल हो आप वही डालिए। और इस प्लांट की ये लगाते हैं, इसको लगा सकती दीजिए उसमें। दूसरा, इस प्लांट को बहुत सनलाइट चाहिए। अगर आप सनलाइट में रखेंगे तो इसकी पत्तियों का ये जो ग्रेइश सिल्वरिश कलर है, ये हमेशा बरकरार रहेगा। छाया में रखने से पहले तो प्लांट चलेगा नहीं, और अगर किसी तरह से चल गया तो इसकी पत्तियाँ का ये जो सुंदर सिल्वर कलर है ये ख़त्म हो जाएगा, ग्रीन सी हो जाएंगी वो। और उसके बाद ये कि इस प्लांट की कटिंग से भी लग सकता है ये, और ये फूल से भी लग सकता है, तो बीज से लग सकता है सॉरी। तो ये इसमें जो फूल लगते हैं, इसका सीज़न आता है, फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, तो इसमें फ्लावर्स लगते हैं बहुत छोटे छोटे। तो उसमें जो कलियां होती हैं उनको खिलने से पहले ही तोड़ लिया जाता है, और उन कलियों से परफ्यूम्स वगैरह बनाए जाते हैं। इसकी ये जो पत्तियाँ हैं, इनको अगर आप ऐसे तोड़ के और ऐसे मसल के सूंघेंगे तो बहुत खूबसूरत भीनी भीनी खुशबू आती है। इसलिए इस प्लांट को परफ्यूम्स वगैरह बनाने के काम में लाया जाता है। ठीक है, तो अभी आपको मैंने इसका सॉइल बताया कि इसको सॉइल कहलाता है। सेकंड चीज़ है इसकी कि इसको फर्टिलाइज़र इसको बहुत कम चाहिए। साल में दो बार दीजिए आप, फरवरी में दीजिए एक बार सेप्टेम्बर में दे दीजिए बस, और इसको ज़रूरत नहीं। बहुत हल्का नहीं देंगे तो भी ये बहुत बढ़िया थ्राइव करेगा। और इसको लगा के एक बार छोड़ दीजिए, इसकी ज़्यादा देखरेख की ज़रूरत नहीं है। खूब तेज़ धूप में चलता है, और ये सबसे अच्छा वहाँ चलता है जहाँ बहुत लू वू चलती है, शुष्क हवाएँ चलती हैं, ड्राई एयर होती है, वहाँ ये बहुत बढ़िया चलता है। तो ये हो गया फर्टिलाइज़र और इसकी प्लेसिंग। और फोर्थ इसकी होती है प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन मैंने आपको इसको बताया कि इसको बीज से भी लगा सकते हैं और इसकी कटिंग से भी। तो कटिंग से लगाने के लिए इसको साल में प्रूनिंग आपको करते रहना पड़ेगी। तो बारिश के बाद इसकी प्रूनिंग कर दीजिए, और जब प्रूनिंग करेंगे तो वो जो डालियाँ निकलेंगी उन्हीं को आप मिट्टी में ऐसे ही खुरस दीजिए, बड़े आराम से लग जाएंगी, कोई उसके लिए कोई इशू है ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया इसका ये। और ये बहुत दवाइयों के काम भी आता है, और ये परफ्यूम्स वगैरह कॉस्मेटिक और परफ्यूम्स में बहुत काम में आता है। और इसको आप हेच में लगा सकते हैं, या अपने बगीचे का कोई अच्छा लेआउट बना रहे हैं उसमें बहुत अच्छा लगा सकते हैं, बहुत अच्छा चलेगा, खूब अच्छा लश रहता है। और ऐसे सिल्वर ग्रेइश पत्तियाँ होती हैं, पत्तियों की आप देखिए इनकी डिज़ाइन कितनी खूबसूरत है। तो अभी ये थोड़े बीच बीच में से लैगी हो गया, तो इसकी देखिए आप ये नई फूट रही है ना, अब ये घना हो जाएगा नीचे से, इसमें से ऐसे ही निकलते रहते हैं ये शूट्स पे से। तो आप इनको भी अलग करके लगा सकते हैं, तो बड़े आराम से लग जाएगा। तो ये हो गया इसको लगाने का तरीका। और पांचवी इसकी सबसे बड़ी जो खासियत होती है वो ये है कि इस प्लांट को आप जहाँ बगीचे में लगाएंगे तो वहाँ कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स नहीं आते। तो अगर आपका बगीचा काफ़ी बड़ा है, मच्छर वच्छर की समस्या है, तो आप ये 5-6 गमले में लगा के रखिए थोड़ी थोड़ी दूर पे, पूरे बगीचे में से मच्छरों की इंसेक्ट्स की समस्या ख़त्म हो जाएगी। और जब ये प्लांट्स में को के रखने से इंसेक्ट्स नहीं आते, तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि इस प्लांट में इंसेक्ट्स वगैरह पेस्टिसाइड्स की कोई ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि लगते ही नहीं है, इसी को रखने से सारे पेस्ट भागते हैं। तो ये हो गया तरीका इसको रखने का। बाकी इसकी छोटे साइज़ की बॉन्साई बहुत सुंदर बनती है, एक वीडियो में आपको इसकी बॉन्साई बनाई हुई दिखाऊंगी,
कि इसकी बॉन्जाई कितनी खूबसूरत लगती, बहुत घना घना गोल ऐसा राउंड सा ट्री बन जाता है, बहुत सुंदर लगती है। तो रूट ओवर रॉक भी बहुत अच्छी इसकी बॉन्जाई बन सकती है। तो ये हो गया इसको लगाने का तरीका और इसको सजाने का तरीका। इसको वो फुल सनलाइट चाहिए, अच्छी 5-6 घंटे की तेज़ धूप और ड्राई एयर, लू वाली जगह में तो बहुत ही बढ़िया चलता है, मतलब गर्मियों के लिए तो ये बेस्ट प्लांट है। और विंटर इसका डॉर्मेंट सीज़न होता है, तो उस सीज़न में इसमें ना तो आप खाद डालें और पानी भी बिल्कुल ही मिट्टी सूख जाए तभी डालें, है ना, नहीं तो फिर वही ज़्यादा पानी होने से मिट्टी सौगी हो जाएगी और प्लांट मर सकता है। तो ये बहुत हार्डी प्लांट है और मेरा सुझाव है कि आप इसे ज़रूर लगाइए। अपनी बालकनी में 1-2 गमले रख लेंगे तो आपके घर में मच्छर मक्खियों का आना काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप मेरा वीडियो आपको इसको लगाने में और हेल्प करेगा, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगी। बाय बाय।